हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे मक्की की रोटी बनाना। पहले हम लेंगे एक मक्की का आटा और पानी। पानी को हम गरम कर लेंगे, इससे हमारी रोटियां काफ़ी अच्छी बनेगी। और ये हम आटे को गूंद लेंगे, ये गरम पानी हम इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके। मैंने थोड़ा ही कम ही आटा लिया है, तो फिर इसीलिए मैं इसे पूरा गीला कर दूंगी, मैं सभी आटे को। ये मैं इसे गूंद रही हूँ। आप जितना अच्छा अपना आटा गूंदोगे उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से आटा गूंदिए। इसे हम अपनी पाम से प्रेस कर रहे हैं, अपनी हथेली से। और अगर आपको लगे आटा टाइट है, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए और अपनी हथेली से इसे प्रेस करते रहिए, मसलते रहिए। जितना अच्छा आप आटा गूंधेंगी उतनी ही अच्छी आपकी रोटियां बनेगी। ये मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये अभी भी इसे पूरा पानी नहीं मिला है। और फिर मैं इसे दोबारा से अपनी हथेली से प्रेस करती रहूँगी। और ये मेरा आटा हो चुका है। अब मैं इसे हाथ से गोल गोल घुमा रही हूँ और एक पेड़ा टाइप बना के उसे थोड़ा प्रेस करके फिर थोड़ा उसे गोल गोल घुमा रही हूँ। आप इसे अपनी फिंगर और पाम से प्रेस करते रहिए, बाहर वाले पोर्शन को अपनी फिंगर से और अंदर वाले पोर्शन को अपनी पाम से। और सेकेंड स्टेप में आप क्या कीजिए, अपनी पाम से इसे हल्का हल्का प्रेस करते रहिए, घुमाते रहिए और अपनी पाम के साथ इसे प्रेस करते रहिए। अगर आप अपनी फिंगर से इसे प्रेस मत करना, अपनी जो आपकी हथेली के बीच में मक्की की रोटी आ रही है, आप उसे प्रेस कीजिए। अपनी फिंगर वाली रोटी को प्रेस ना कीजिए जो आपकी फिंगर्स के बीच में आ रही है। अपनी हथेलियों को धीरे धीरे दबाते रहिए और जहाँ से आपको लगे ये टूट रही है, वहाँ पे हल्के से पानी से इसे जुड़ाते रहिए साथ साथ में ही, क्योंकि छोटी छोटी दरारें फटाफट भर जाती हैं। अगर बड़ी दरार हो जाए तो उन्हें भरना मुश्किल हो जाता है, फिर आपकी रोटी पूरी टूट जाती है। ये मैं दोबारा आटा ले रही हूँ। अब ये मुझे इसमें पानी ज़्यादा हो गया था और आटा कम, तो मैं थोड़ा आटा और ले लूँगी अपनी नेक्स्ट रोटी के लिए। ये मैं इसे भी अच्छे से गूंद रही हूँ, अपनी पाम से इसे प्रेस करते रहिए। और ये मेरी तवे वाली रोटी हो रही है। आपको इसके जो कलर है ऊपर से रोटी का, उससे पता चल जाएगा। जब वो हल्की हल्की सिक्की सिक्की सी नज़र आती है आपको, तो आप उसे पलट दीजिए। ये मैं दोबारा से अपनी पाम से अच्छे से आटे को गूंद रही हूँ और साइड में लगा हुआ आटा साथ साथ में इसी से साफ भी कर रही हूँ। अब जितने अच्छा आटा को गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। आप उतना सही आटा अपने लिए लीजिए जितना जितनी सी आप रोटी बना पाएँ। ज़्यादा आटा लेंगे तो ज़्यादा बड़ी रोटी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी, वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो जितनी सी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं बड़े से शुरुआत करें, आप छोटी छोटी रोटियां बनाएं उन्हीं से शुरुआत करें। बस इसमें फिंगर्स और पाम का सारा खेल है, आपको उन्हें अच्छे से चलाना पड़ता है, उतनी ही अच्छी फटाफट से आपकी रोटी बन जाती है। ये मैं गोल गोल घुमा रही हूँ, मैं इसलिए थोड़ा फॉरवर्ड कर रही हूँ स्पीड में, ताकि आप बोर ना हो जाएं। और तो सब कुछ प्रैक्टिस से ही आएगा। ये मैं अपनी फिंगर से उसे घुमा रही हूँ, बाहर वाले पार्ट को मैं अपनी फिंगर से पतला कर रही हूँ और अंदर वाले को अपनी पाम से। ये मेरी रोटी हो गई है, मैं इसे थोड़ा सेक दूँगी। ये मैं इसे चिमटे से घुमा रही हूँ। ये मेरी रोटी अच्छे से सिक चुकी है। बीच से थोड़ी थोड़ी जल भी गई। ये मेरी रोटी अच्छे से बन चुकी है, एक रोटी मेरी तैयार हो गई है। अब
अब अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, ये मैं अपनी फिंगर और पाम से, एक पोर्शन को मैं पाम से दबा रही हूँ, एक को फिंगर से प्रेस कर रही हूँ। तो आप इसे धीरे धीरे ऐसे करते रहें और इसे पतला करें, अंदर से बाहर की तरफ पतला करते रहें। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से ज़्यादा पतली होगी वहाँ पे ज़्यादा प्रेस ना करें, जहाँ से मोटी लग रही है वहाँ पे प्रेस करें। ये मैं अपनी सिर्फ पाम से इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये बाहर बाहर से पतली हो जाए। और जो छोटी छोटी दरारें उन्हें साथ साथ में भर रही हूँ। छोटी तैयार हो गई है।